भारत मेरी जान के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि। और भाई हम पहुंच चुके कोची। श्रीनगर से शुरू करके ऑलमोस्ट 16 शहर कवर करते हुए हम कोची पहुंच चुके हैं केरला में। और यहां पे आपको दिखाने वाले जबरदस्त खाना पीना रहना सहना सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चटाकेदार चटोरीदार और नेक्स्ट लेवल की वीडियो होने वाली। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई साहब आ जाओ मेरे साथ आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। और भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कन्याकुमारी में आप क्या देखना चाहते हो सीरीज में कॉमेंट करके बताओ। हम कन्याकुमारी मतलब भारत की जो आखिरी टिप है वहां तक जाने वाले हैं। कमेंट करके बताओ कि क्या देखना चाहते हो और हम भाई साहब चलते हैं आगे, आपको बहुत ही मजे कराएंगे आज। 3308 यहां से ब्लॉगिंग के लिए मेमोरी कार्ड चाहिए थे, वो ले लिए। अब मेमोरी कार्ड लेके हम कर रहे हैं कैब, सीधा जा रहे हैं फोर्ट कोची जो कि यहां का बहुत ही ज्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। पानी खराब है यार। 8897 कितने मिनट बता रहा है यहाँ से? 45 मिनट। वेजिटेरियन अगर आप तो केरला में आपके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है। वेज है बट बहुत लिमिटेड, गिन के 6 जगह। और भाई साहब अगर सीरीज बनानी मिनिमम 12 जगह होनी चाहिए, 6 जगह और 6 में से 3 जो है वो इस टाइम बंद है। वो कह रहे हैं कि सर आप कल आना, अभी कल के लिए एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ यार, यहाँ पे ना चिकन मटन फिश के अलावा भी और बहुत कुछ है, आप समझ जाओ। देख के खाना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं भाई साहब। ये फोर्ट कोची और ये चाइनीज नेट्स जो है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, बोटिंग वगैरह हो रही है। पानी की जो वेव्स है वो काफी फास्ट है, यहाँ से देखेगा आपको कितनी। देखो ये देखो, पहले सोच रहे थे वहां चलें, वो देखो सामने जहाँ पे लोग खड़े हैं, बट वहां तक आते आते सन का जो वो हल्का सा ब्लू आवर है ना, जो गोल्डन आवर ब्लू आवर है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये जी आपके चाइनीज नेट्स, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मौसम अच्छा है यहाँ पे, वैसे पूरे कोची में बहुत ज्यादा गर्मी है बट यहाँ पे आके आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा मौसम है, हवा चल रही है, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। धूप में हो सकता है हो बट अभी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी जो दिन की शुरुआत है यहाँ पे करने वाले हैं हम मोमोज के साथ। और पीछे व्यू चेक करो, ब्लू आवर चल रहा है प्रॉपर। और पीछे देखो कुछ शिप्स और कुछ बोट जो है वो दिख रही है। और यहाँ पे हमने लगवाए हैं जी ये मोमोज। क्या नाम से दुकान है, क्या व्हाट्स द नेम ऑफ द शॉप? स्ट्रीट वोक। और भाई ये देखो, ओहो हो हो वाह, उसकी चटनी ऊपर ही डाल के एंड टमाटर सॉस दे मायनेस। ओ मेयोनीज रहने दो, मेयोनीज रहने दो, नहीं 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 नो। हमारे मोमोज जो है वो रेडी है, अभी ट्राई करते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट, इन्होंने इतने लंबे लंबे ये दिए भाई साहब टूथपिक्स खाने के लिए। फिर भी हाथ से खाऊंगी। मैं सोच रहा हूँ ये इनके स्टाइल से खाते हैं, हाथ भी नहीं गंदे होंगे। पीछे जो नजारा है वो बड़ा कमाल कमाल है। जबरदस्त है, हाथ से खाने पड़ेंगे, ऐसे नहीं खाए जाएंगे भाई साहब, कमाल है। बट एक कमी है, जो वो मिर्ची वाली चटनी होती है ना। मोर मोर मोर, अब मजा आएगा, एकदम ऐसे होना चाहिए। हाँ एकदम लाइक डिप्ड इन स्पाइसी चटनी। होए 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 होए, मजेदार, मजा आया। एक प्लेट और है, बिल्कुल। गिव मी वन मोर प्लेट। सेम भाई, आप स्टूडेंट हो भाई? आई यू स्टूडेंट? स्टूडेंट है, अरे वाह यार। उधर पर वो आईलैंड बनाया, उधर आईलैंड मैनमेड है एलएनजी के लिए। अच्छा सीएनजी, वो जो वहाँ पे गैस प्लांट है ना, प्लांट है। आप यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे? फुटबॉल खेलते थे, सही बात है। माय भाई, अरे भाई क्या बात है, यहाँ पे फुटबॉल खेलते थे भाई लोग। जगह कम हो गई क्योंकि उधर ये जो बन गया, सुनो आगे कौन मिर्ची वाली है ना, इसमें उन्होंने मेयोनीज डाल दी यार, बट मैंने बोला कोई बात नहीं, अब डाल दी डाल दी, क्या कर सकते हैं ना। ज्यादा स्वाद है ये वाले, बट स्पाइसी चटनी नहीं है ये, कम डाली उन्होंने स्पाइसी चटनी। लो जी स्पाइसी चटनी, और गुड जॉब। लो जी अच्छी तरह पहले बीच वाली चीयर्स करते हैं, डिप करो चटनी। ये हो गया जी अपना फोर्ट कोची वाली चीयर्स, गुड जॉब। एक और नहीं, नहीं अब आगे चले भाई साहब, ये दुकान है यहाँ पे आओ, ये दुकान है भाई स्ट्रीट वॉक। क्या बेच रहे हैं? पाइनएप्पल पाइनएप्पल एंड मैंगो, मैंगो ग्रीन मैंगो, ग्रीन मैंगो 20 रुपीज, 20 रुपीज। एंड व्हाट अबाउट पाइनएप्पल? पाइनएप्पल 20 40। मसाला मसाला वो लाल मिर्च, लाल मिर्च। मैंगो मैंगो मोर मसाला, बस बस बस। यस मैंगो आल्सो है, ये लाल मिर्च है, चिल्ली एंड चिल्ली चिली एंड सॉल्ट, वो कश्मीरी चिली है, नो प्रॉब्लम। कश्मीरी चिली, हाँ नो प्रॉब्लम, ट्राई करो, हाँ टेस्ट करो, टेस्ट करो। कैसा? गुड क्या? गुड, नो रिमेम्बरिंग इन द मॉर्निंग? नो नो
श्योर मैंगो खाएंगे पाइनएप्पल एकदम मीठा और ऊपर एकदम मसाला है ना अंकल डालो क्या डालो कट कट मोर पाइनएप्पल मोर पाइनएप्पल कट कट पाइनएप्पल इतना स्वाद है कि हमने और कटवाना है अंकल से मसाला या वेरी मच मसाला ओके मोर मसाला पाइनएप्पल पाइनएप्पल सब हेल्दी हेल्दी चीजें खा के ना मेरा लीवर बोल नहीं रहा यार कुछ बढ़िया खिलाओ कुछ ऐसे कोई मखनी मखनी कोई बटर चिकन कोई ऐसी चीजें खिलाओ ना पाइनएप्पल पाइनएप्पल बहुत ज्यादा हेल्दी हो रहा भाई आप पूरा खा गए मैं खाना था और एक और दे दो माय वाइफ ईट्स एवरीथिंग अंकल सेम योर वाइफ हां जा हां जा कितने साल से लगा रहे हैं आप ये कब से 9 को सुबह 9 बजे से ओके ओ ओ भाई भर भर मैं हमेशा शेयर करता हूं यार अब बस यार मैं तो हमेशा शेयर करो ये पूरी प्लेट आपने खाई थी इसमें मैं जा नहीं दूंगा अंकल ने एक्स्ट्रा दे दिया थोड़ा सा और ओके अंकल थैंक यू बाय बाय गुड नाइट शेयरिंग अंकल ने बोला है ना बट एक भाई लो जा नहीं टाइड्स अब बहुत तेज हो गई है देखो देखो पूरा तड़का भड़का हो रहा है यहाँ पे समुंदर में अब बहुत है जी अभी हम जिस जगह पे जाने वाले हैं ये रेस्टोरेंट जो है 1788 में बना था ओल्ड हार्बर इस जगह का सबसे ओल्डेस्ट रेस्टोरेंट या कैफे हम वहाँ जाने वाले हैं और सोनम बहुत ज्यादा आगे निकल गई मैं भी थोड़ा तेज चलता हूँ ये भाई कैसा लग रहा है है ना ये देखो भाई साहब क्या वाइब है यहाँ वाओ डिफरेंट ही तरीके की छिपकली ए पीछे छिपकली है और आगे एक स्नेक तरीके की नो इट्स एन ओल्ड बिल्डिंग और लकड़ी की वजह से ऐसे जानवर आता है वेरी क्लोज टू नेचर थोड़ा सा डर गया था मैं बट भाई सब सेफ है कुछ ऐसी सी गार्डन की वाइब है और काफी ज्यादा इंट्रिकेट मेन्यू है बट हमें सिर्फ इतना सा सेक्शन मिला ऑर्डर करने के लिए तो हम ऑर्डर कर रहे हैं जी अ टिपिकल केरला डिश ऑफ सेमी राइप पम्पकिंस एंड लेंटिल्स व्हाट इज इट कॉल्ड इसका क्या नाम है ये द फर्स्ट वन इसका नाम क्या है इट्स अ पम्पकिन एंड लेंटिल पम्पकिन एंड लेंटिल अच्छा इसका कुछ ऐसा नाम नहीं है दूसरा नाम नहीं है इन केरला में वो उसको बोलेगा तो अविल बोलेगा अविल नॉट अविल एलिसेरी जीत भाई जो है हमारा खाना जो है वो ले आए हैं ये है केरला स्टाइल श्रिम्स कोकोनट कैश्यू करी ये तो बासमती राइस है ना सुपर बासमती राइस है जी स्टीम राइस दिस इज द लेंटिल ओले ये तो छोले नहीं डाला कि आप आगे लिटरली हां लो जी लो पंजाब आ गए आप ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਿਰੇ ਲਾ ਗਏ ਲਓ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਦਾਲ ਸਵਾਦ ਘਰ ਪੇ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੱਚੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਲਕੀ ਸੀ ਕੱਚੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਲੈ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 350 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚੀ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਿੰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਚਮਚ ਭਰ ਲਿਆ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ कोकोनट की वजह से ना बहुत प्यारी मिठास आई हुई है इसमें और भाई जो कढ़ी पत्ता है वो इसमें जादू खोल रहा है दाल भी ट्राई कर ही लेते हैं छोले दाल अलग किया मुझे लग रहा है यह भी कच्चा है ये भी कच्चा है ना क्या चलो थोड़े तो फर्क पाता 1000 रुपये बाद ले लियो ये फोर्ट कोची साउथ गोवा वाली वाइब दे रहा है थोड़ा काम है लोग जो है वो स्लो है यहाँ पे भाग दौड़ नहीं है लोग वेट कर रहे हैं लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कभी कोची ना रहे हो घूमने तो मुझे पता है कि आप और बहुत जगह जाओगे यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए बट मेरे हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको फोर्ट कोची जरूर आना चाहिए बहुत कमाल वाइब है यहाँ पे फोर्ट कोची जो है आज भी ऐसा लग रहा है कि 1960s 1950s में जी रहा है थोड़ी बहुत LEDs आ गई है बस बाकी सब कुछ जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अभी भी वही एरा का लगता है जिस एरा में शायद वास्को डी गामा और ये सब आए थे The next morning. सबसे पहले हम आए हैं श्री मुरुगा कैफे लोकल्स कहते हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट नाश्ता मिलता है कोची का और आपको दिखाते हैं कोची का बेस्ट नाश्ता कैसा लगता है आ जाओ जैसी सी वाइब है यार कैफे की और इधर आते ही देखो भाई ये पकौड़े रखे हैं पर फिश वगैरह रखी है वाइब तो अच्छी आ रही है ये बड़े वगैरह है
Oh wow. Bananas are a part of the decor. Bitter coffee order karoge, they'll make it over here. Yes. Kya famous hai? Mandri aur meat roast. Nahi vegetarian mein. Veggie mein appam aur kadala. Appam aur kadala. Kadala kya hota hai? Kadala chana hai na kala wala. Acha. Kala chana aur saath mein nariyal. Hai na? तो आप ऐसा करिए एक वो दे दीजिए। ये देखो ये सारी की सारी करीज है। ये क्या है सर? ग्रीन पीस। ग्रीन पीस, अरे वाह। और ये क्या है? पारंपरिक। हाँ पारंपरिक। पारंपरिक केला भाजी। केला भाजी, ओके। और इसके साथ ये ग्रीन पीस की करी है। और ये क्या है सर? ये करी है। ये काड़ला करी जो तकरीबन खत्म होने वाली है। ये दीजिए। ये अंडा करी है, उबले अंडे। इसमें कैसा उबला अंडा है? अंडा नहीं, प्याज है। अच्छा जी। और उबला अंडा जो है ऊपर से डाल के देते हैं। ओके okay. अंडा करी है और एकदम बढ़िया तरीके से पकाई हुई है। और ये मलाबार जो मसाले हैं, जो मल्लू स्टाइल के मसाले हैं, वो डाल रखे हैं। सबसे अच्छा यही है। सबसे अच्छा यही है, इसीलिए खत्म हो गया। डालिए सर। आप किधर से हैं भैया? मैं ओडिशा का हूँ। ओडिशा से? अरे वाह यार, ये देखो ये आपकी कढ़ाला जो है, कढ़ाले कहते हैं ना? हाँ, कढ़ाला। कढ़ाला कड़ी जो है वो रेडी है, काले छोले हैं और इसके साथ अपम देंगे। हाँ। अरे वाह, एकदम बढ़िया तरीके से इन्होंने रैप करके रखा हुआ है, कुक करके रखे हुए हैं, ताकि जैसे ही नाश्ता करने मेरे जैसे भुक्कड़ लोग आए तो उनको फटाफट से मिल जाए, है ना भैया? ओके भाई। भैया बहुत कमाल के हैं यार, मजेदार एकदम। एक प्लेट में तीन देते हैं? तीन देते। और कितने की प्लेट रहता है? 54. ओके। और एक मुझे वो पकौड़े भी दिखाओ ना। मेदू वड़ा। सुगियानी क्या होता है? सुगियानी इसका अंदर दाल और गुड़। दाल और गुड़। हाँ, मीठे होता है। मीठा है ये? अरे वाह। और ये क्या है? दाल वड़ा। दाल वड़ा। ये क्या है? घी अपम। घी अपम, वाह यार। और अंदर वो सवाड़ा वड़ा। सवाड़ा वड़ा। ये केला भाजी है इधर भाई, जबरदस्त। और ऊपर ये क्या रखा है? हमारे दोस्त के लिए दो केला भाजी। हमारे दोस्त के लिए दो केला भाजी, थैंक यू। इसके साथ चटनी? चटनी नहीं है। नहीं है। इसके साथ क्या खाते हैं? ऐसे तो नहीं खाएगा। अच्छा ओके। क्या नाम क्या है इसका? सुगियानी। सुगियानी, सुगियानी। ये भाई साहब सुगियानी है। और ये हमने एक प्लेट बनवाई है। इसके साथ चटनी नहीं देते आप? चटनी नहीं है, चटनी खत्म हो गई। खत्म? अरे यार हम लेट हो गए। लेट हो गए। चलिए आप सर्व करिए। भैया जो है ऑलराउंडर है, चाय भी ये खुद ही बनाते हैं। ओए होए होए, क्या बात है, कमाल लग रही है। चाय का लिकर जो है रेडी है और इसको ये फुल एक्शन में, भाई क्या बात है। ओ भाई ये देखो, उड़ीसा वाले भैया कमाल के। आपका नाम भैया? चंद्रू। चंद्रू भैया ने हमारी चाय भी जो है एकदम बढ़िया झाग वाली रेडी कर दी है। कमाल नाश्ते की जगह मिल गई यहाँ पे, बढ़िया लोग हैं, कमाल वाइब है। खाना जो है वो आ गया है, रखिए सर। एक अंडा कड़ी भी दो ना। अंडा करी भी। हाँ, सबसे पहले तो अप्पम ही जो है वो तोड़ते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, एकदम सॉफ्ट। और ये आ गई अंडा करी भी, थैंक यू सर, थैंक यू। और इसके साथ ये जो है ये छोले, इसको क्या कहते हैं भैया? अप्पम और कड़ला। कड़ला। और इसको क्या कहते हैं? ये काले छोले हैं बट थोड़े मोटे हैं और इनको, इनकी तरी को कुछ इस तरीके से कुक किया गया है जैसे हम अपने पंजाब में चिकन या मटन बनाते हैं। ये वेजिटेरियन है बट इसमें मीट मसाला है कुछ ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से बहुत मीटी फ्लेवर आ रहा है। गार्लिक से भर के राई भी डाल रखी है, कड़ी पत्ता भी है, केले का पकौड़ा है, ये भी ऐसे खाते हैं। तो ये फ्राई करते हैं अंडा करी के साथ। ये देखो करी की जो, करी में जो सब्सटेंशियलिटी है ना, ये देखो कितनी कमाल है। उसमें प्याज और टमाटर और सब कुछ डाला हुआ है। ओए होए होए होए, यो आएगा तो बात बन जाएगी। ये आ गई भाई साहब अच्छे से भिगो के। एंड हियर इज अ बाइट। केले का पकौड़ा जो है ऑब्वियसली मीठा है क्योंकि इसको रेडी केले को इन्होंने काट के पकौड़ा बनाया हुआ। जो अंडा कड़ी है इसमें मसाले जोरदार है बट नमक कम है, इसमें नमक डलवाना पड़ेगा। बट भाई साहब इसका तो मैं फैन हो गया यार। ओ भाई ये देखो, तो ये तो काली दाल है यार, इसमें हलवे वाली मिठास है, ऐसा लग रहा है हलवा खा रहा हूँ पैक किया हुआ। अभी भाई साहब दो जगह और ढूंढ लिए बढ़िया बढ़िया आपके लिए। एक जगह है इनको कॉल करके पूछना है कि इनके पास अवेलेबल है कि नहीं। हेलो नमस्कार, दिस इज घी पुट्टू। सर अंटिल व्हाट टाइम इज पुट्टू अवेलेबल? सो आई विल बी देयर बिफोर 4, राइट? ओके थैंक यू। एक बहुत जगह स्पेशल मिली है, एक बहुत स्पेशल जगह मिली है घी पुट्टू।
और यहाँ पे पुट्टू थाली 4 बजे तक मिलती है। पहले आपको लेके चलते हैं सरावना भवन, जहाँ पे बहुत ही जबरदस्त केरला मील्स मिलती हैं। उसके बाद आपको लेके चलते हैं धी पुट्टू। भाई आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाली है। हम ज्यादा करके जो है रिसर्च ऑन द स्पॉट पता क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई साहब काफी जगह है जो बंद हो चुकी है, या काफी जगह जो ऐसे इस टाइम पे बंद हो जाती है। जैसे अभी हम यहाँ पे आए और हम इनके हिसाब से लेट हैं, बट हमारे हिसाब से हमें लग रहा था कि हम टाइम से हैं। कोच्ची कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, नाइस, बट मुझे कोड़ी कोड़े तो भाई साहब वाइब ही अलग थी यार, वो तो नेक्स्ट लेवल। कोच्ची इज द बेस्ट प्लेस फॉर वेकेशन एंड कोड़ी कोड़े इज द बेस्ट प्लेस टू बिल्ड होम, है ना, कह सकते हैं ना। बहुत तेजी से आ रहे हैं, 120, 110, 190, 70, 60, 50, 40, 30. अरे ये तो इधर खड़े भैया, 6669. एक मिनट बिठा लो, कोड़ने के भाग में जाना। कैसे हैं भैया? गुड, आ जाओ सोनू। श्री सरावना भवन, ये कितना है? 73. थैंक यू भैया। ये जो जगह है बहुत ही ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे तो मैंने सुना है वेटिंग लगती है 45 मिनट की। अभी हमने गूगल पे पढ़ा था कि बिजियर देन यूजुअल लिखा आ रहा था। वेटिंग है नहीं है, ऐसा लग रहा था वेटिंग है। ये देखो परुप्पू बड़ा बड़ा, ये मेदू बड़ा लग रहा है, ये बनाना फ्राई, चीजें तो वही लग रही हैं, बट यहाँ पे हमने वो मील खानी है। अच्छा, यहाँ पे एसी सीटिंग अलग है एंड नॉन एसी अलग है, ये खाएंगे अभी। फूड इज बिहाइंड मी, मेन्यू आ गया, और यहाँ पे ना मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा वाला है वो मील, जो राइस बिरयानी ये सब कुछ हो गया मील्स। सर व्हाट्स दैट मील दैट यू सर्व ऑन केले का पत्ता? मील्स कौन सब्जी? ओके, वेयर इज इट ऑन द मेन्यू? मेन्यू में अच्छा, ये कौन कौन सा, ये क्या है? कैबेज, पाइनएप्पल, ओके, दिस इज पाइनएप्पल, दिस इज अवेयर, एंड दिस इज कैबेज, बढ़िया। एंड ये मेन्यू में किधर है? राइस आइटम्स टिफिन कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, वेयर इज इट? चलो तो कहीं मारते हैं, हम जब बिल देखेंगे तब चौंकेंगे कि 110 रुपए बिल आया है, ऐसा कुछ होगा ना। पहले मेन्यू में चाय, कॉफी, इडली, बड़ा, पोंगल, उपमा, मसाला डोसा, घी रोस्ट, पूरी सेट, चपाती सेट, परोठा सेट, आनियन उत्तपम, सब लिखा हुआ है, और मील्स 130। मैंने आपको बोला था ना 110 चौंक जाएंगे, और देखो 130 लिखा हुआ है मील्स। 130 रुपए में मील, जो हमारे वहाँ पे अगर थाली भी हम लेते हैं ना, आजकल 220 की थाली होगी। चना भटूरे भी है यहाँ पे, करिए ऑर्डर, करिए ऑर्डर, ये वायरल हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ये वीडियो चना भटूरा डाल दिया ना तो वायरल, देख लो 30 दिन हुए छोले भटूरे के दर्शन भी नहीं हुए, देखे भी नहीं छोले भटूरे, मन कर रहा है कि छोले भटूरे डाले। और वैसे मैं आपको एक चीज बताऊँ, छोले भटूरे जिस दिन हमने टाइटल में डाले, देखना वीडियो वायरल है, पक्की बात। इस तरीके से सर्व करते हैं, ये देखो केले के पत्ते के ऊपर राइस एंड 3-4 सब्जियां हैं साथ में। सर हमें भी मील दे दो, मील दे दो, मंचूरियन। इसका मतलब पनीर को मंजूर है कि वो मंचूरियन बनने वाला है, कॉम्बिनेशन ऑफ मंचूरियन मंचूरियन का। लाना धीरे ना, तो ये राजमा एक चीज है जो छोले भटूरे में नहीं मिलती, एक चीज है क्या आप एग्री करोगे, जो नॉर्थ में है और साउथ में नहीं मिलेगी? क्या कड़ी गुजराती मिलती है? अरे मैं साउथ में बात कर रही हूँ, देखो यहाँ पे राजमा है, चने हैं, आलू गोभी है, आलू मटर है, मटर पनीर है, सब कुछ है, बट इसका अल्टरनेट जरूर होगा। नहीं है, पक्की बात है, देखो शर्त लगा। नहीं है शर्त लगानी है, पूरा मेन्यू देख लिया, जितना मेन्यू का टोटल रेट है उतने की शर्त लगा। अच्छा दो, ए दो लेयर है, वाह 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 वाह, ओ क्या बात है भाई, एक सेकंड ना, ओ वाह, एकदम साफ सुथरा पत्ता। ये क्या क्या है भैया? दही पायसम। हाँ, दही पायसम पापड़, दही पायसम पापड़, दही पायसम पापड़। ये देखो ये क्या सर? अवियल। ये कैबेज, पाइन एप्पल डालिए सर, एवियल, कैबेज, पाइन एप्पल। हाँ जी, हाँ जी सर, राइस के बिना तो कैसे चलेगा। ओह वाओ, एकदम खिले खिले राइस हैं, और साथ में अभी कुछ और भी आएगा कि यही हो गया बस? हो गया सर, कुछ और आएगा? नो, अभी आएगा आएगा। चार तरीके की तो ग्रेवीज आ गई हैं, क्या क्या है सर? की स्पीड बड़ी तेज है, ये सांभर, और क्या है ये? रसम, रसम पुलिसियन दाल। ये क्या है? मैंने बोला था ना कड़ी होती है सर, ये भी थोड़ी सी दे दो कड़ी। ये देखो भाई ये कड़ी आ गई, हुई 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 हुई, इसमें ये क्या है? हरी मिर्च है, हुआ। मुझे उन्होंने बोला था पापड़ भी अच्छे से इसको क्रश करके ऐसे आप खा सकते हो, तो हम अभी ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो भाई साहब राइस के साथ ये सांभर, ओ भाई कमाल है, नेक्स्ट लेवल। इसके साथ हियर इज अ बाइट,
यहाँ पे फ्लेवर जो है वो थोड़े माइल्ड हैं, जो हमने वहाँ पर कोड़ी कोर में खाए थे वो फ्लेवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। इसमें जो सांभर का फ्लेवर है और जो खटास है वो काफ़ी कम है, मसाले कम डाल रखे हैं, बट बहुत ही सटल मील है। अगर आप रेगुलरली यहाँ पे आके खाते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि घर का खाना खा रहे हो। कड़ी भी ट्राई करते हैं, पास में आओ। ये कड़ी है भाई, सोनम कह रहे थे कड़ी नहीं मिलती यहाँ पे, आप टेस्ट करो, और हमें यहाँ पे कड़ी मिल गई है। ये कड़ी ऐसा कड़ी के साथ, कड़ी में एक मिठास है बट बहुत स्वाद है, कमाल है, वाह। जी मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतना अच्छा होगा, बहुत कमाल है। ये कैबेज और मेन चीज जो है एवियर, ये पाइनएप्पल है भाई, और ये है एवियर। देखो इधर आओ, पास में आओ, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं बट भाई साहब हाथ पहले भी धोए हैं बाद में भी धोएंगे। एवियर में क्या जबरदस्त मसाले हैं यार, फ्लेवर इनमें है, दाल सांभर और चावल और कड़ी, उसमें ज्यादा फ्लेवर नहीं है, बहुत कमाल है। सारा कुछ ठीक है। ये देखो सबसे बेस्ट पार्ट 170, वो मील्स 130, पाइनएप्पल लाइम जो है 40, और भाई साहब 4 रुपए और 4 रुपए, मतलब 8 रुपए 10 पैसे टोटल जो है वो टैक्स आया। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, नेक्स्ट हम जाने वाले धी पुट्टू, पुट्टू ये वाला, ये आ गया धी पुट्टू, और इस तक जाने के लिए हमें लगेंगे ऊबर गो में 233 और ऊबर ऑटो में 256। यार तो गो में चलते हैं, लो जी उबर गो बुक करते हैं, और कोई डिस्काउंट लगाओ इस पर, पता नहीं कौन सा कूपन लग गया था ये, पर 4 मिनट अवे है और पिकअप कर लेगा एरूर रोड। देखना वैगन आर आई है, और वैगन आर देखो कैसी है, ओ एकदम ही डिफरेंट वैगन आर है भाई, आई होप ऐसी ही हो तो मज़ा आ जाएगा। आई हैव टू टेक पिक्चर। अच्छा ये अरुण भैया है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑल इज़ वेल। इसके साथ इन्होंने लिखा हुआ है नोज इंग्लिश एंड तमिल मलयालम, और इसके साथ भाई साहब 6-star service 42 times 40 और 29 ग्रेट एटीट्यूड कॉन्वर्सेशन अचीवमेंट्स 2500 5-star tips। इतने तो भाई साहब वीडियोस में अपने लाइक्स नहीं आते जितने इनको 5-star tips मिले हुए हैं, 2500 रेटिंग। देखो भाई की मुझे टेंशन हो रही है, इनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। अभी आपको दिखाने वाले हैं ये स्पेशल 7-layer वाला पुट्टू, ये देखो, ओ हो, क्या बात है यार।